गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर सब्ट्रैक्टिंग वंस एंड टेंस। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग मीन्स माइनस करेंगे हम वंस एंड टेंस। वंस एंड टेंस क्या है? प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो जब हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, सपोज 75, तो ये फर्स्ट जो प्लेस होता है ना, वो आपका वंस होता है, मैंने बता चुका है, और ये होता है आपका टेंस। और ये दो नंबर के साथ हम और एक नीचे जो नंबर लेंगे उसके साथ हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है माइनस। माइनस का मतलब होता है रिड्यूस बाय स्टेटेड नंबर। जैसे कोई भी आप नंबर ले रहे हैं, उसमें से हम कोई दूसरे नंबर के साथ उसको घटाना या एक क्वांटिटी कम करना। टेक अवे मतलब लेना। टेंस मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, ये है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का हम जब राइट से सेकेंड नंबर, ठीक है, प्लेस वैल्यू जैसे 75, तो राइट से सेकेंड नंबर इज टेंस प्लेस। क्लियर? अब है आपका लेस देन। लेस देन मतलब किसी भी नंबर से कम, जैसे 5। 5 से लेस देन लेंगे तो 5 से लेस क्या हुआ? 4। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट इज वंस प्लेस। जब भी हम कोई टू डिजिट नंबर लेते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है राइट से, वो होता है आपका वंस प्लेस। तो ये वंस और टेंस जो है वो प्लेस वैल्यू है, मतलब पर्टिकुलर नंबर के। इक्वल्स टू, ठीक है, जब भी हम इक्वल्स टू मतलब के बराबर, सपोज ये 5 है, ये 5 है, तो ये दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, ठीक है, तो यू गेट 4। ठीक है, इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट। जब भी हम किसी से आप माइनस कर रहे हैं, या फिर हम 9 से 5 घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये हमारा 4 जो आंसर आया है, ये इन दोनों के बीच का ये है डिफरेंस। ये है 9 में आप 5 माइनस कर रहे हैं, ये हो गया आपका प्रोसेस सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए डिफरेंस, एक नया मतलब इसके बाद जो वर्ड था, तो ये है डिफरेंस। जब दोनों को जब हम माइनस करते हैं, उनके बीच का जो अंतर है ना, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन।